अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है, इस्तकबाल है आपका अबरिन एकेडमी में। आज हम लोग 8वीं जमात का D3 का निसाब पढ़ने वाले हैं, तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। मुतमासिलत के बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर आपको दो शक्लें दी हुई है, उसको देखकर आपको बताना है कि ये एक दूसरे के मसावी हैं या नहीं। पहली शक्ल है एक ही पैकेट के दो बिस्किट, और दूसरी शक्ल है एक किताब के दो सफ़े। तो ये आपको मुशाहिदा करके बताना है कि क्या ये चीज़ें एक दूसरे के मुतमासिल हो सकती हैं। मतलब एक पैकेट के दो बिस्किट ये एक दूसरे के मुतमासिल रहेंगे या नहीं। और दूसरी मिसाल है कि एक सफ़े के एक पेज के माफ़ कीजिएगा एक किताब के दो सफ़े ये एक दूसरे के मुतमासिल रहेंगे यानी। अब ये बताने के लिए आप लोगों को क्या देखना होगा कि जो बिस्किट है इनकी जो साइज़ है, लंबाई चौड़ाई जो भी रहेगी वो एक जैसी है या नहीं, ये आपको देखना होगा। तो इस पे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये एक दूसरे के मसावी है या नहीं। अब आइए जानते हैं मुतमासिलत के बारे में। एक जैसी या हूबहू नज़र आने वाली शक्लें एक दूसरे के मुतमासिल होती है, उनकी जसामत, लंबाई, चौड़ाई एक दूसरे के मसावी होती है। मतलब जो चीज़ें एक जैसी होती है या हूबहू नज़र आती हैं वो एक दूसरे के मुतमासिल होती हैं, और जो चीज़ें मुतमासिल होती है उनकी जसामत, लंबाई, चौड़ाई ये एक दूसरे के मसावी होती है या फिर एक दूसरे के बराबर होती है। अब इस तारीफ़ की बिना पर आप लोगों को यहाँ पर कुछ शक्लें दी हुई है, इनका मुशाहिदा करके आपको बताना है कि क्या ये चीज़ें एक दूसरे के मसावी है या फिर क्या ये चीज़ें एक दूसरे के मुतमासिल है। अब हम मालूम करेंगे कतात खत के मुतमासिलत के बारे में कि दो कता खत मुतमासिल कब हो सकते हैं। तो इसके लिए क्या कीजिए, पट्टी की मदद से कता ए बी खींचिए और कता पी क्यू खींचिए, और कता ए बी और कता पी क्यू की लंबाई नापिए। अगर दोनों कतात की लंबाई एक जैसी है तो वो कतात एक दूसरे के मुतमासिल होंगे। फ़र्ज़ कीजिए कि आपने कता ए बी 5 सम का खींचा और इसी तरह कता पी क्यू भी 5 सम का खींचा, तो दोनों कतात की लंबाई क्या होगी, एक जैसी होगी, मसावी होगी। इसका मतलब क्या होगा कि कता ए बी और कता पी क्यू जो है तो वो एक दूसरे के मुतमासिल हो गए। कता खत ए बी और कता खत पी क्यू मुतमासिल हो तो इसे कता ए बी मुतमासिल कता पी क्यू लिखते हैं। अगर कतात खत की लंबाइयाँ मसावी हो तो कतात खत मुतमासिल होते हैं। अगर कता ए बी मुतमासिल कता पी क्यू यानी कता पी क्यू मुतमासिल कता ए बी, इसी तरह कता ए बी मुतमासिल कता पी क्यू, कता पी क्यू मुतमासिल कता एम एन हो तो कता ए बी मुतमासिल होगा कता एम एन के। मतलब क्या कि एक कता खत दूसरे से और दूसरा तीसरे से मुतमासिल हो तो पहला कता खत तीसरे से भी मुतमासिल होता है, पहला दूसरे से, दूसरा तीसरे से, तो पहला वाला जो है तो वो तीसरे खत से भी क्या होता है, मुतमासिल होता है। एक अमली काम है कि ज़ेल में दी हुई जसामत की मदद से मुतमासिल कतात खत की जोड़ियाँ लिखिए। तो यहाँ पर दो दी हुई है, बची हुई दो आपको जो है तो करना है। आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।